बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हमारा टॉपिक चल रहा था और लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है डेप्रिसिएशन का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो डिस्कस किया था। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक और नया मेथड जो है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके ऊपर जो है कन्फ्यूजन होती है, दैट इज़ सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को डिस्कस कर लिया, हमने सेकंड मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हमने डिस्कस कर लिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड की कैलकुलेशन को हम ज़रा देखते हैं। मैंने इसके लिए आपके पास स्क्रीन पे एक एग्जांपल क्वेश्चन लिखा है। ऑन जनवरी 1st 2019 स्टार कंपनी परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹6 लाख, सेल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन इज 50,000 एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स। The company used sum of the year digit method for charging depreciation and accounting ends on December 31st each year. 6 लाख रुपए की मशीन ली है, परचेज डेट जो है 1st January 2019 है, सेल्वेज वैल्यू जो है 50,000 है, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स है, अकाउंटिंग एंड होता है December 31st each year. रिक्वायरमेंट में फाइंड आउट depreciation expense फॉर द ईयर ended December 31st 2019, 2020 and 2021। अब आपको जो है ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना है 2019, 20 और 21 का। सबसे पहले मैंने आपके सामने सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड का फॉर्मूला जो है ये लिखा है, और फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर डिजिट मल्टीप्लाई बाय लाइफ। अब इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट जैसे कि हमें मालूम है कि 6 लाख रुपये दी हुई थी, सेल्वेज वैल्यू 50,000 रुपये दी हुई थी। सर व्हाट डू यू मीन बाय सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट का क्या मतलब है? तो रफ वर्क में जो आपके पास यूजफुल लाइफ थी इस मशीन की वो इस सवाल में 10 ईयर्स थी। अब ज़रा अच्छी तरह समझिएगा, आप सीक्वेंस से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी आपने स्ट्रेट जो है वो 10 तक जो है वो लाइफ लिख दी और इसके बाद सारे डिजिट्स को ऐड कर लिया, 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 यानी आपने सारे डिजिट्स को ऐड कर लिया तो ये आपके पास 55 आ गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके पास लाइफ दी हुई है उनके सारे डिजिट्स को आप ऐड अप कर लो तो वो आपके पास आ गया 55। अब आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट में आप 6 लाख रुपए लिखोगे, सेल्वेज वैल्यू में आप जो है 50,000 लिखोगे, सम ऑफ द ईयर डिजिट में आप जो है 55 रखोगे यानी सारे डिजिट्स का टोटल, दैट इज़ 55। अब याद रखिएगा ये मशीन का पहला साल है तो आपको सबसे पहले डिसेंडिंग में पहले जो है डिजिट के अंदर जो है जो आपका लाइफ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखी जाएगी, दैट इज़ 10 रखी जाएगी। अब आपके पास जब कैलकुलेशन करी 6 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाई 55 मल्टीप्लाई बाई 10 तो पहले साल का डेप्रिसिएशन बच्चों आपके पास 1 लाख रुपीज़ आ गया। इन द सेम वे जब आप जो है डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2020 का तो आपके पास 6 लाख कॉस्ट सेम है, 50,000 जो है सेल्यू वैल्यू है, सम ऑफ द ईयर डिजिट में आप 55 ही रखेंगे, लेकिन अब ये मशीन का दूसरा साल है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अब जो है 9 प्लेस होगी लाइफ में। तो आपके पास जब हमने कैलकुलेशन करी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चों 90,000 आया है। इन द सेम वे 2021 का भी डेप्रिसिएशन पूछा है तो आपके पास जो है 6 लाख जो है बच्चों कॉस्ट थी, 50,000 जो है वो आपका सेल्यूज वैल्यू थी, यूजफुल सम ऑफ द ईयर डिजिट जो है आपने 55 रखा और ये कंपनी का तीसरा साल था तो हम वी हैव टू पोस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब हम 8 रखेंगे। इस तरह से हमारे पास 2021 का जो डेप्रिसिएशन आया है दैट इज़ 80,000 जो है वो आपके पास आ गया। अब एक और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात जो कि है, हमने ये तीनों सालों का डेप्रिसिएशन निकाल लिया बच्चों, दैट इज़ 1 लाख रेट 90,000 और फिर ये 80,000 आ गया आपके पास 2021 का। अगर आपके पास कभी कभार अगर लाइफ जो है 25 ईयर्स दी हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अगर सर कभी लाइफ 25 ईयर्स दी हुई है तो क्या हमें 25 तक डिजिट्स जो है लिख कर सबको ऐड करना पड़ेगा, ये तो बहुत टाइम टेकन है। तो इसका एक फॉर्मूला जो है बताया हुआ है, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, इससे भी आप सम ऑफ द ईयर डिजिट निकाल सकते हो। आसान वे ये है कि सारी लाइफ को ऐड करके लिख दो
तो भी यही आ जाएगा, और अगर n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो इससे भी आपका सम ऑफ द एयर डिजिट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की कोई मशीन जो है उसकी लाइफ जो है 25 ईयर्स है, तो आपने 25 n में रखा, 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास ये है इसका फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द सम ऑफ द एयर डिजिट। तो 25 प्लस 26 हो गया, और 26 को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से तो 650 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आपका 325 आ जाएगा। यानी आप सारी लाइफ को ऐड करते हुए आओगे तो ये आपका 325 आ जाएगा, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। तो होपफुली आपको ये सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सेलेज वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ द एयर डिजिट मल्टीप्लाई बाय लाइफ। और लाइफ में हमेशा याद रखिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर हम रखेंगे, पहले साल 10, फिर देन 9, फिर 8 और सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।